फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर शादियां स्टार्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच ही होती है, जबकि कई स्टार्स एक फिल्म करते दौरान एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं और फिर क्या वो शादी के बंधन में बनते हैं। इन्हीं में से एक है अभिषेक और ऐश्वर्या बच्चन। इन दोनों के प्यार की कहानी शायद कुछ ही लोग जानते होंगे। बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री में अभिषेक बच्चन ने 2000 से शुरुआत की। 5 फरवरी 1976 को मुंबई में जन्मे अभिषेक ने करीना के साथ फिल्म रिफ्यूजी में काम किया। हालांकि बॉर्डर के डायरेक्टर जेपी दत्ता की फिल्म से डेब्यू के बावजूद उनकी ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। बाद में उन्होंने ऐश्वर्या के साथ ढाई अक्षर प्रेम की और कुछ ना कहो जैसी फिल्में की, लेकिन ये भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। जबकि खबरें हैं कि मणि रत्नम की फिल्म गुरु के प्रीमियर के बाद ही अभिषेक ने ऐश्वर्या को प्रपोज किया, जबकि इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत इसी फिल्म से शुरू हुई। बता दें कि टोरंटो में हुए फिल्म गुरु के प्रीमियर के बाद कड़ाकती ठंडी में बालकनी में खड़े होकर अभिषेक ने ऐश्वर्या को प्रपोज किया। ऐसे मौसम में अभिषेक ने काफी ढीठ बनकर ऐश को शादी करने के लिए पूछा, जबकि इस पर ऐश ने बिना वक्त लगाए जवाब में हाँ कह दिया। इस बारे में जब अभिषेक को पूछा गया था तब उन्होंने कहा कि मैंने धड़कते दिल से ऐश को प्रपोज किया और उन्होंने हाँ कहने में एक सेकंड का भी टाइम नहीं लिया। वो लम्हा ऐश्वर्या और मेरी जिंदगी में बेहद ही खास है। हालांकि इस प्यार भरे लम्हे के बाद अभिषेक और ऐश्वर्या ने 20 अप्रैल 2007 को शादी कर ली। अब शादी की बात निकली ही है तो बता दे कि शादी के ठीक पहले ही ऐश्वर्या को लेकर बच्चन परिवार वाराणसी गए थे। बता दे कि वाराणसी के संकट मोचन और विश्वनाथ मंदिर में विशेष अनुष्ठान के लिए बच्चन परिवार गए थे, जबकि खबरें थी कि ऐश्वर्या की कुंडली में मंगल दोष था, जिसके निवारण के लिए बच्चन परिवार ने पूजा पाठ कराई थी और इन सब पूजा विधि के बाद ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी हो गई। इनकी शादी के फोटोज अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जबकि अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी को करीब 11 साल होने वाले हैं। हालांकि अब वो 6 साल की बेटी आराध्या के पेरेंट्स भी बन चुके हैं। अगर ऐश्वर्या और अभिषेक की फिल्मों की बात करें तो इन्होंने एक साथ 7 साल काम किया। बता दें कि ऐश्वर्या और अभिषेक ने 7 सालों में ढाई अक्षर प्रेम के कुछ ना कहो, बंटी और बबली, उमराव जान, धूम 2 और गुरु को मिलाकर 6 फिल्मों में साथ में काम किया। वही शादी के बाद इन दोनों की फिल्म सरकार राज और रावण रिलीज हुई, जबकि अभिषेक रावण के बाद धूम 3, हैप्पी न्यू ईयर, हाउसफुल 3 में नजर आए, लेकिन उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। जबकि ऐश्वर्या शादी के बाद 2 से 3 साल बॉलीवुड से दूरी रही, लेकिन इन 3 सालों के बाद उन्होंने सरबजीत, जज्बा और ए दिल है मुश्किल में काम किया। खैर, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की लव स्टोरी आपको कैसे लगे ये आप हमें जरूर बताइए, नीचे कमेंट्स करिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए और पिंक वाला हिंदी को सब्सक्राइब करिए।